हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में यकृत के बारे में अध्ययन किया था। यकृत के कार्य को भी देखा था, यकृत की संरचना और उसकी ओतिकी के बारे में पढ़ा था। अब हम अपना अगला टॉपिक जो है इसमें सहायक पाचक ग्रंथियों में तीसरी सहायक पाचक ग्रंथि है पैनक्रियाज या अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जैसे कि आप जानते हो कहाँ पर स्थित होती है। ये जो ग्रहणी वाला भाग है, ग्रहणी की जो भुजाएं होती है उसके बीच में ये स्थित होती है और अनियमित आकार की ग्रंथि है। ठीक है, और इसका उद्भव किससे होता है? भ्रूणीय एंडोडर्म से। ठीक है, उद्भव किससे होता है? भ्रूणीय झिल्ली जो है एंडोडर्म, उससे इसका उद्भव होता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। जैसा कि आप जानते हैं मिश्रित प्रकार की कैसे है ये, क्योंकि इस ये अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, दोनों प्रकार की ग्रंथियों के लक्षण इसमें, गुण इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें दो भाग होते हैं, एक भाग तो होता है इसमें एसिनाई और दूसरा कौन सा? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ठीक है, दो भाग है, एसिनाई और लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। इसमें जो ये एसिनाई वाला भाग जो है, ये इसका भाग है वो बहिस्त्रावी प्रकार का होता है। ये कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? बहिस्त्रावी प्रकार की होती है। ठीक है, और ये इसकी एसिनाई की जो नलिकाएं हैं वो कहां पर खुलती है? अग्नाशय वाहिनी में खुलती है। अग्नाशय वाहिनी जो है वो सहपित वाहिनी के साथ में मिलकर के किसमें खुलती है? हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला या वेटर की एम्पुला द्वारा ग्रहणी में खुलती है। ठीक है, तो ये बहिस्त्रावी प्रकार की कोशिकाएं होती है या बहिस्त्रावी प्रकार की ग्रंथि है, जो अपना स्त्राव जो है वो नलिकाओं के द्वारा छोड़ती है लक्ष्य अंगों तक। और इसमें से जो स्त्राव निकलता है उसे, उस रस को क्या कहते हैं? अग्नाशयी रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नाशयी रस। ठीक है, जो पाचक रस होते हैं भोजन को पचाने के लिए काम में आने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो उस अग्नाशयी रस के अंदर पाए जाते हैं। और ये अग्नाशयी रस कहाँ से स्रावित होता है? एसिनाई कोशिकाओं से, या एसिनाई जो भाग है किसका? अग्नाशय का, उससे स्रावित होता है। ठीक है, तो ये एसिनाई कोशिकाएं जो है वो बहिस्त्रावी प्रकार की होती है और इसमें अग्नाशयी रस है, इनसे स्रावित होता है। ठीक है, और अग्नाशयी रस के अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम्स होते हैं और ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं? भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। फिर आती है दूसरा भाग इसका, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ये एसिनाई की जो कोशिकाएं हैं उनके बीच बीच में ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस प्रकार की होती है? अंतःस्रावी प्रकार की होती है। और इनसे कुछ हार्मोन का स्रावण होता है, कुछ हार्मोन है वो इससे निकलते हैं, स्रावित होते हैं। तो इसमें ये तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है। लैंगरहैंस की जो द्वीप कोशिकाएं हैं या इनके द्वीप समूह जो है, उन कोशिकाओं के अंदर तीन प्रकार की कोशिकाएं हैं इस समूह में, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा या डेल्टा कोशिकाएं। पहले प्रकार की कौन सी है? अल्फा, दूसरी बीटा सेल्स और तीसरी है गामा या डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स जो है उससे कौन से हार्मोन का स्रावण होता है? ग्लूकेगॉन। ये ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावण करती है अल्फा सेल्स। ये ग्लूकेगॉन क्या काम करता है? ये ग्लूकेगॉन जो है वो जब आवश्यकता होती है ऊर्जा की, ऊर्जा निर्माण की कार्य करने के लिए, तब क्या करता है ये ग्लूकेगॉन? जो ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में, संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। कौन करता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन, जो कहां से स्रावित होता है? अल्फा सेल्स से। ठीक है, अल्फा सेल्स किसकी है? अग्नाशय की, लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं उसकी अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावण होता है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है जब आवश्यकता होती है। ये जो होती है बीटा सेल्स, इससे
इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रावण होता है। और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये शरीर के अंदर जो अतिरिक्त ग्लूकोज है, पाचन के बाद में जब अवशोषण होगा उसका, तो जितना काम में ले लिया ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में, उस वो तो ले लिया जाता है, बाकी जो बचता है अतिरिक्त ग्लूकोज के रूप में, उस अतिरिक्त ग्लूकोज को किसमें बदल देता है, ये ग्लाइकोजन में, किसमें बदल देता है, ग्लाइकोजन में, ठीक है। इसकी इंसुलिन की यदि कमी हो जाती है तो ये जो ग्लूकोज है वो अधिक मात्रा में हो जाएगा रक्त के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या है, डायबिटीज या मधुमेह रोग भी हो जाता है, ठीक है, इंसुलिन की कमी से। फिर आता है तीसरी जो आती है, कौन सी, डेल्टा या सॉरी गामा या डेल्टा सेल्स। ये जो सेल्स होती है ये क्या करती है, ये सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण करती है। और ये सोमेटोस्टेटिन जो है ये जो दोनों सेल्स होती हैं, इन दोनों सेल्स के स्रावण को नियंत्रित करता है, ठीक है। जो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स हैं उनके स्त्राव को नियंत्रित करने का काम ये हार्मोन करता है, ठीक है। तो ये हो गए इसमें अग्नाशय के भाग। अग्नाशय मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, और ये अग्नाशय इसमें इसकी जो वाहिनी है, अग्नाशय वाहिनी सह पित्त वाहिनी के साथ में मिलकर के हिपेटोपैनक्रेटिक एम्पुला या वेटर के एम्पुला द्वारा ग्रहणी में खुलती है, जहां पर ओडी की अवरोधनी पाई जाती है। ये इसका उद्भव भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है। मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, दो भाग होते हैं इसके, एशिनाई और लैंगरहैंस की दीपिकाएं। एसिनाई बहिस्त्रावी प्रकार की होती है जिससे अग्नाशय रस का स्त्रावण होता है। ये अंतःस्रावी होती है जिससे अनेक हार्मोन निकलते हैं। और ये तीन प्रकार की सेल्स होती है इसमें, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा से ग्लूकागन हार्मोन जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, बीटा से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, और गामा या डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन जो इन दोनों जो कोशिकाएं हैं उनसे निकलने वाले जो हार्मोन है उनका नियमन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गई आपका तीसरी जो सहायक ग्रंथि है, पैनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, पाचन की कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ठीक है। कौन सा पार्ट है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। पाचन की कार्यकी को इसमें पांच भागों में बांटा गया है। पहला इंजेशन या अंतर्ग्रहण, दूसरा भाग है इसमें डाइजेशन या पाचन, तीसरा अवशोषण या एब्सॉर्प्शन, चौथा भाग है एसिमिलेशन या स्वांगीकरण, और पांचवा भाग है इसमें कौन सा, एजेशन या डिफिकेशन, ठीक है। ये जो भाग है पांच भाग वो किसमें आते हैं, पाचन की कार्यकी के अंतर्गत आते हैं, जिनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हमारा आता है अंतर्ग्रहण या इंजेशन। इंजेशन किसे कहते हैं, इंजेशन वह क्रिया है जिसमें क्या करते हैं, हम भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण करने का काम करते हैं। और इस क्रिया में क्या करते हैं कि भोजन को कृंतक दांतों से काट करके अंदर की ओर लिया जाता है, मुख गुहा में रखा जाता है, और मुख गुहा में इसके साथ में क्या करता है, जिह्वा के द्वारा इसको इधर उधर घुमाया जाता है और उसमें लार मिलाई जाती है साथ में। और उसमें जो दांत होते हैं, जैसे कैनाइन दांत है, प्री मोलर और मोलर्स दांत होते हैं, ये सारे के सारे दांत हैं, इनको चबाने की क्रिया में सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिया होती है संपूर्ण क्रिया, जिसमें क्या करते हैं, मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है, ठीक है, ये क्या है, अंतर्ग्रहण, क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण, ठीक है। तो इसमें काटने और चबाने की जो क्रिया है वो इसमें इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं। फिर आता है दूसरा भाग अपना पाचन या डाइजेशन। पाचन किसे कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा यही था इसमें, पूरी इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। पाचन किसे कहते हैं,
ये एक एंजाइमेटिक जल अपघटन है, जिसमें क्या होता है कि जो बड़े भोज्य अवयव है, भोजक भोजन के जो घटक है, उस भोजन के घटकों को क्या करता है ये एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ता है, ठीक है, या उसका जल अपघटन करता है। तो ये जो क्रिया होती है जिसमें क्या होता है भोज्य पदार्थों का क्या होता है एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल अणुओं में तोड़ना और उसे अवशोषण योग्य बनाना क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें अब देखो पाचन किसका किया जाता है, इसमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जटिल भोज्य पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ये इसमें प्रमुख अवयव होते हैं भोजन के, जिनका पाचन है वो किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स हैं, खनिज लवण हैं, जिनका संश्लेषण और अवशोषण है वो भी इसमें पाचन की क्रिया के अंतर्गत जो आहार नाल भाग है उसका वो क्या करता है, इनका अवशोषण करता है और इनका संश्लेषण करने का काम भी करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है ये पाचन की क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों का एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना, या हम ये कह सकते हैं उसमें जो ये एक प्रकार के बहुलक होते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ है जिनको एकलक इकाइयों में तोड़ा जाता है, मोनोमर्स में इनको विभाजित किया जाता है। तो ये क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। तो अब डाइजेशन में डाइजेशन है वो अलग अलग भागों में होता है, डाइजेशन जैसे कहाँ कहाँ होता है डाइजेशन, मुख गुहा में पाचन की क्रिया जो होती है वो कुछ मात्रा में कहाँ होती है, मुख गुहा में होती है, उसके बाद में भोजन का पाचन होगा आमाशय में, और आमाशय में प्रोटीन भाग का पाचन जो होता है वो होता है थोड़ा, और उसके बाद में जो है मुख्य जो भोजन के पाचन की जो क्रिया है वो कहाँ होती है, छोटी आंत के अंतर्गत पूर्ण भोजन का पाचन है वो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कहाँ पर, मुख गुहा में भोजन का पाचन। अब देखिए मुख गुहा में जब भोजन जाता है तो उसमें जो चबाने की क्रिया है उसके साथ साथ उसमें क्या मिलाई जाती है, लार मिलाई जाती है। लार जो है वो हल्का अम्लीय पदार्थ होता है जो क्या करता है भोजन के पाचन की क्रिया के अंदर अपनी भूमिका निभाता है। इस लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन एंजाइम कहा जाता है, या अल्फा एमाइलेज भी कहा जाता है। ये जो अल्फा एमाइलेज या जो टाइलिन एंजाइम है इसमें कौन सा एंजाइम होता है, अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम, ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, जो शर्करा है कार्बोहाइड्रेट शर्करा, उस कार्बोहाइड्रेट शर्करा जो पॉलीसेकेराइड शर्करा है एक प्रकार की, उस शर्करा को किस में बदलता है, उसका आंशिक रूप से पाचन करके डाइसेकेराइड के अंदर बदल देता है, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड में इसमें विभाजित कर देता है, इसमें तोड़ देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अल्फा एमाइलेज जो है ये स्टार्च का आंशिक रूप से पाचन करता है, मतलब पूर्ण पाचन तो हम नहीं कह सकते, पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता इसका, ठीक है ना, ये ग्लूकोज में नहीं बदलता है। तो स्टार्च का क्या करता है, आंशिक रूप से पाचन करता है, कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, और ये एंजाइम इसका पाचन करके किसमें बदलता है, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड जैसे माल्टोज और डेक्सट्रिन जो होता है, प्लस डेक्सट्रिन, डेक्सट्रिन क्या होता है, डेक्सट्रिन एक प्रकार का ओलिगोसेकेराइड है जिसमें 3 से 9 मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के, ठीक है, कितने, 3 से 9 ग्लूकोज के अणु होते हैं, ग्लूकोज की इकाइयां होती हैं। लार में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं, जैसे एक तो टाइलिन एंजाइम होता है और दूसरा पाया जाता है एंजाइम लाइसोजाइम। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम क्या करता है, जो भोजन के साथ में आए हुए जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु जो होते हैं उन जीवाणुओं को क्या करता है, ये नष्ट करता है, क्या करता है, ये जीवाणुओं को
नष्ट करने का काम करता है। कौन? लाइसोजाइम, जो कहां पाया जाता है? लार के अंदर, ठीक है। और ये लार का स्त्रावण जो होता है वो कहां से होता है? लार ग्रंथियों के द्वारा होता है, ठीक है। लार जो होती है उसका स्त्रावण किससे होगा? लार ग्रंथियों से। लार ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ा था, कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, तीन जोड़ी लार ग्रंथियां जो है वो पाई जाती है मुख गुहा के भीतर, जिससे लार का स्त्रावण होता है। और उसमें क्या पाया जाता है? अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है। पीएच इसका 6.8, ये हल्का अम्लीय पदार्थ होता है। टाइलिन एंजाइम क्या करेगा? स्टार्च का आंशिक रूप से पाचन करेगा और डाइसेक्राइड और डेक्सिन के अंदर इसको बदल देता है। इसमें पाया जाने वाला लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसी के साथ लार के अंदर बाई कार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। कौन से आयन पाए जाते हैं? बाई कार्बोनेट। और ये बाई कार्बोनेट आयन क्या करेंगे? भोजन की अम्लीयता को, भोजन जो होता है ना अम्लीय, उस भोजन की अम्लीयता को नष्ट करते हैं ये बाई कार्बोनेट आयन, ठीक है। ये क्या करेंगे? बाई कार्बोनेट आयन लार में, बाई कार्बोनेट आयन क्या करते हैं? भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लार क्या करती है? लार भोजन को, ये भोजन को लसलसा बनाकर उसे बोलस में परिवर्तित करती है। क्या करती है? बोलस में परिवर्तित करती है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो लार है वो क्या काम करती है? ये मुख गुहा को नम बनाए रखती है। क्या करती है? मुख गुहा को नम बनाती है, ठीक है, जिससे क्या होती है? बोलने में आसानी होती है और ये मुख गुहा को सूखने नहीं देती। तो ये होता है इसमें मुख गुहा के अंदर पाचन, और मुख गुहा में जो स्त्रावित लार जो होती है, लार ग्रंथियों के द्वारा जो स्त्रावित होती है, उसकी क्या क्या भूमिकाएं होती है? क्या क्या भूमिकाएं होती है इसकी? एक तो शर्करा का आंशिक रूप से पाचन करना, ये शर्करा का आंशिक रूप से पाचन करती है। दूसरा काम, इसमें उपस्थित लाइसोजाइम जो है वो क्या करता है? भोजन के साथ में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तीसरा काम, इसके अंदर उपस्थित जो बाई कार्बोनेट है वो क्या करते हैं? भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर देते हैं। अगला है, भोजन को ये लसलसा बना करके उसे किस में बदल देती है? बोलस में परिवर्तित कर देती है। और अगला कार्य है इसका, मुख गुहा को क्या करती है? ये नम बनाती है। तो इस प्रकार से मुख गुहा के अंदर जो स्त्रावित लार जो होती है वो, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यहाँ पर मुख गुहा के अंदर स्टार्च का आंशिक रूप से पाचन होता है, ठीक है। अब ये जो बोलस होता है, ये बोलस, बोलस बन गया ना, ये लुगदी या बोलस बोलते हैं इसको, ठीक है, लार के मिलने के बाद में। ये बोलस क्या करेगा? ये नीचे की ओर जाता है ग्रसनी से होते हुए, जब ये मुख ग्रसनी में, मुख ग्रसनी से निकल के नीचे की ओर जाता है, तो उस समय ये जो होती है नासाग्रसनी, उसमें क्या होता है कि वो जो घाटी द्वार पाया जाता है, उस घाटी द्वार, उसके नीचे होता है नासाग्रसनी के नीचे, जो श्वास नली के ऊपर होता है एकदम, उस घाटी द्वार के ऊपर जो एपिग्लोटिस होता है वो क्या हो, क्या करता है? बंद हो जाता है उसके समय, ठीक है, जब भोजन को निगला जाता है। तो जब भोजन के निगलने की क्रिया जो होती है, और भोजन के निगलने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीग्लूटिशन, ठीक है। भोजन जो है, भोजन का निगलना क्या कहलाता है? ये क्रिया क्या कहलाती है? डीग्लूटिशन। ये जो डीग्लूटिशन की जो प्रोसेस होती है, उस समय क्या होता है कि श्वास नली पर पाया जाने वाला जो घाटी द्वार है
वो बंद हो जाता है, किससे, उसके ऊपर पाया जाने वाला एपिग्लोटिस है उसकी सहायता से इसको बंद कर लिया जाता है। अब क्या होगा, भोजन कहाँ पर चला जाएगा, ग्रास नाल के अंदर, ग्रास नाल के भीतर है वो प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब ग्रास नाल में क्या होता है कि संकुचन की क्रिया जो होती है उसमें कोई किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, और संकुचन की क्रिया के द्वारा क्रमाकुंचन होता है उसमें, और क्रमाकुंचन की क्रिया के द्वारा ये कार्डियक कपाट के खुलने से कहाँ प्रवेश कर जाता है, आमाशय के अंदर प्रवेश कर जाता है भोजन। ठीक है, उसके बाद में आमाशय में प्रवेश करने के बाद में क्या होगा, इसमें आमाशय में पाचन की क्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। तो आमाशय में जो पाचन की क्रिया है उसमें देखिए ये भोजन किसके रूप में आता है, बोलस के रूप में आमाशय में पहुंचता है, जो ग्रास नाल से क्रमाकुंचन की क्रिया के द्वारा इसमें प्रवेश करता है। तो यहां पर जब भोजन पहुंचता है तो आमाशय की भित्ति के द्वारा जो इसकी जी सेल्स है वो क्या करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण इसमें करती है। किसका स्रावण किया जाता है, गैस्ट्रिन हार्मोन का। अब ये गैस्ट्रिन क्या करता है, इसमें आमाशय में भोजन आते ही गैस्ट्रिन का स्रावण आरंभ होता है। अब ये गैस्ट्रिन क्या करता है, ये जो ये होती है ना जठर ग्रंथियां, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है उन ग्लैंड्स को क्या करती है, ये क्या करता है, ये सक्रिय करता है किसके स्त्रावण के लिए, गैस्ट्रिक जूस के लिए यानी जठर रस के स्त्रावण के लिए, ये इसको प्रेरित, इन जठर ग्रंथियों को प्रेरित करता है, और जठर ग्रंथियां हैं उनसे जठर रस का स्त्रावण होता है, और जठर रस के अंदर क्या पाया जाता है, जल होता है, HCl होता है, पेप्सिनोजन होता है, प्रोरेनिन व जठरीय लाइपेज होते हैं, ये एंजाइम है वो इसमें पाए जाते हैं, और HCl अम्ल है वो भी इसके अंदर होता है, किसमें, जठर रस के अंदर। जठर रस का पीएच की हम बात करें जठर रस की, तो 1.5 से 3.5 जो है इसका पीएच होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये जो जठर रस है वो किस प्रकार का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, क्या होता है, ये अम्लीय प्रकृति का ये रस होता है, जठर रस, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक रस है वो उपस्थित होते हैं। तो ये जो है, अब हमने देखो इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पड़ी थी, एक तो चीफ कोशिकाएं पड़ी थी हमने, या जाइमोजन कोशिकाएं हैं, उनसे किसका स्त्रावण होता है, पेप्सिनोजन का है, और प्रोरेनिन है, इनका स्त्रावण किससे होता है, चीफ सेल से होता है, और एक हमने पढ़ी थी ऑक्सेंटिक सेल, जिससे किसका स्त्रावण होता है, HCl का स्त्रावण होता है। तो ये HCl जो है ये क्या काम करता है, क्या काम करता है, ये देखिए इसमें पहला कार्य क्या है इसका, ये जठर रस के जो निष्क्रिय एंजाइम है, अब देखो जठर रस के अंदर स्त्रावित ये जो एंजाइम होते हैं पेप्सिनोजन प्रोरेनिन, ये जो एंजाइम है ये क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। किस प्रकार के एंजाइम होते हैं, ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन निष्क्रिय प्रकार के एंजाइम होते हैं, और इन निष्क्रिय एंजाइमों को ये HCl क्या करता है, सक्रिय करने का काम करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें, ये HCl जो है क्या करेगी, ये जो पेप्सिनोजन है निष्क्रिय पेप्सिनोजन, इस निष्क्रिय पेप्सिनोजन को किसमें बदल देती है, सक्रिय पेप्सिन के अंदर ये बदल देता है, कौन, HCl अम्ल। और दूसरा एंजाइम जो है प्रोरेनिन, उसको HCl किसमें बदल देता है, रेनिन में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, जठर रस के निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का काम करता है, कौन, HCl। दूसरा कार्य इसका क्या है, ये भोजन के साथ में आए हुए हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, भोजन के साथ में कुछ जीवाणु है, हानिकारक जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं, तो उसमें उन जीवाणुओं को क्या करता है, ये नष्ट करने का काम करता है, कौन, HCl। फिर तीसरा कार्य इसका है, ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। फिर अगला कार्डियक व जो पाइलोरिक कपाट जो है, कार्डियक और पाइलोरिक, कार्डियक कपाट कौन सा होता है, आमाशय के अंदर जो ग्रास नाल से जोड़ने वाला जो भाग है जिसको कार्डिया कहते हैं, ठीक है, उस कार्डिया जो है उसके ऊपर एक कपाट पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर या कार्डियक संकोचक जिसे कहते हैं। और दूसरा पाइलोरिक, पाइलोरिक कपाट कहाँ होता है, ये जो पाइलोरिक भाग है जो आमाशय को किससे जोड़ता है, ग्रहणी से जोड़ता है,
और आमाशय को ग्रहणी से जोड़ने वाला जो 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 भाग होता है वहां पर जो छिद्र होता है या जोड़ जिसे कहेंगे उसे पाइलोरस कहते हैं, और पाइलोरस के ऊपर ये कपाट पाया जाता है जिसे पाइलोरिक कपाट कहते हैं। तो ये जो दोनों कपाट जो होते हैं इनके खुलने की क्रिया को भी कौन नियंत्रित करता है? HCL जो है वो करता है। फिर आता है अगला, टाइलिन के प्रभाव को क्या कर देता है? ये समाप्त कर देता है। ये जो लार से निकलने वाला जो टाइलिन एंजाइम है, जो भोजन के साथ में जब बोलस अंदर आता है आमाशय में, तो उसके साथ में ये एंजाइम भी प्रवेश कर जाता है, तो इसके प्रभाव को क्या करता है? ये नष्ट कर देता है। फिर आता है कैल्शियम युक्त कठोर भाग जो होते हैं और कुछ तंतुमय जो भाग है उसको गलाने का काम करता है। जो भोजन के साथ में कुछ कठोर भाग जो आ जाते हैं, ठीक है, हार्ड भाग जो है, उनको गलाने का और पचाने का काम ये कौन करता है? HCL है वो करता है, ठीक है। तो ये होता है इसमें HCL का कार्य। तो इसमें यदि क्वेश्चन आ जाए कि HCL की क्या भूमिका है पाचन की क्रिया में, तो ये HCL की भूमिका होती है, ये इसके कार्य होते हैं। देखिए इसमें एक चीज और देखिए, इसमें HCL एक तीव्र अम्ल है, लेकिन तीव्र अम्ल होते हुए भी आमाशय की भित्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों नहीं पहुंचाता भाई? क्योंकि आमाशय की भित्ति पर किसका आवरण होता है? श्लेष्मा का मोटा आवरण होता है। ये श्लेष्मा कोशिकाओं के द्वारा हमने पढ़ा था, आमाशय की भित्ति के अंदर श्लेष्मा कोशिकाएं भी पाई जाती है, जो किसका श्रवण करती है? श्लेष्मा का श्रवण करती है। और ये श्लेष्मा क्या करती है? ये आमाशय की भित्ति पर एक आवरण बनाती है, मोटा आवरण बनाती है, जिसके कारण क्या होता है? HCL इस पर क्रिया नहीं कर सकता और इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये HCL तीव्र अम्ल होते हुए भी आमाशय भित्ति को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाता, ये इसमें क्वेश्चन बन सकता है। अब आता है इसमें आमाशय में पाचन की जो क्रिया है, आमाशय में जो है अधिकांश भाग किसका? प्रोटीन का ही पाचन होता है। भोजन के जो घटक है उनमें से तो प्रोटीन का ही पाचन होता है, लेकिन थोड़ी बहुत दुग्ध की जो वसा है उसका भी पाचन इसमें किया जाता है। तो इसमें आमाशय में पाचन की क्रिया में देखिए, सबसे पहले इसमें प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है आमाशय में होता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। और इसमें एंजाइम कौन सा काम में आता है? पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। ये पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? ये प्रोटीन को अपघटित कर प्रोटियोज और पेप्टॉन्स के अंदर बदल देता है, ठीक है। ये पेप्टाइड्स होते हैं इसमें, तो इसमें ये प्रोटीन जो होती है उसको प्रोटियोज और पेप्टॉन्स में बदल देता है। फिर आता है ये कैसीन। कैसीन जो होता है, कैसीन क्या होती है? दूध की जो प्रोटीन है उसको क्या कहते हैं? कैसीन कहा जाता है। और उस दुग्ध की प्रोटीन को पाचन करने के लिए रेनिन एंजाइम है जो वो काम में आता है, सक्रिय होता है HCL के द्वारा। और ये इस कैसीन को किस में बदल देता है? पैरा कैसीन के अंदर बदल देता है, जो कि अघुलनशील है, ठीक है। थोड़ा सा दही जैसा पदार्थ है वो इसमें बदल जाता है, बन जाता है इसमें। देखिए इसमें पैरा कैसीन, ये पैरा कैसीन कैल्शियम के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम पैरा कैसीनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम पैरा कैसीनेट, ठीक है। ये थोड़ा स्कंदित क्लोटेड पदार्थ होता है ये, ठीक है, गाढ़ा पदार्थ होता है। जैसे बच्चे जो होते हैं उसमें कई बार क्या होता है कि ये जो दही जैसा पदार्थ है वो बाहर निकलता है मुख के द्वारा, तो ये इसी प्रकार का ये पदार्थ होता है कैल्शियम पैरा कैसीनेट। और ये कैल्शियम पैरा कैसीनेट है ये पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है? प्रोटीयोजेज और पेप्टॉन्स के अंदर बदल जाता है। तो रेनिन तो क्या करता है? कैसीन को पैरा कैसीन में बदलता है। फिर पैरा कैसीन जो है वो कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम पैरा कैसीनेट बनाता है, और इस कैल्शियम पैरा कैसीनेट पर पेप्सिन एंजाइम जो है वो क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम क्रिया करता है? ये देखिए, कैल्शियम पैरा कैसीनेट पर पेप्सिन एंजाइम क्रिया करके प्रोटीयोजेज और पेप्टॉन्स बनाते हैं, ठीक है। तो कैसीन का पाचन कौन करेगा? रेनिन। क्या बनाएगा? पैरा कैसीन, जो अघुलनशील है, ये कैसीन घुलनशील होता है। फिर पैरा कैसीन कैल्शियम की उपस्थिति में कैल्शियम पैरा कैसीनेट बनाता है, और कैल्शियम पैरा कैसीनेट जो है वो पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में इसको किस में बदल देता है? प्रोटीयोजेज और पेप्टॉन्स में बदल देता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसमें आमाशय के अंदर है वो प्रोटीन का पाचन होता है। अब इसके साथ ही आमाशय के अंदर जो दुग्ध की जो वसा है उस दुग्ध वसा का पाचन भी इसमें होता है।
दुग्ध की वसा का पाचन कौन करता है? यहां पर जो ये जठरीय लाइपेज जो है, ये जठरीय लाइपेज इसके अंदर जठरस के अंदर जो उपस्थित होता है, ये जठरीय लाइपेज क्या करता है, ये दुग्ध की वसा का पाचन करने का काम करता है और दुग्ध की वसा का पाचन करके उसे किस में बदल देता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, अब इसमें देखिए भोजन का जो जब पाचन होता है उसमें इसका जो आमाशय का जो पेशी स्तर है उस समय क्या करता है, क्रमाकुंचन उत्पन्न करता है जो पाचन की क्रिया में बहुत सहायक है। तो इसमें क्रमाकुंचन से क्या होगा, भोजन का मंथन होता है और उसके साथ ही इसमें पाचक रस है वो मिल जाते हैं और पाचक रस है आसानी से इसमें क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए इसमें आमाशय में भोजन के पाचन के बारे में कि आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप पाचन के पश्चात, अब ये भोजन का पाचन हो गया 4 से 5 घंटे तक इसमें पाचन की क्रिया होती रहती है। अब इसमें पाचन के पश्चात जो अर्ध ठोस पदार्थ बनता है उस अर्ध ठोस पदार्थ को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है, या लेई भी बोलते हैं इसको, काइम या लेई। ये जो काइम है वो कहां जाएगा, ग्रहणी में प्रवेश करेगा। तो ग्रहणी में प्रवेश करने के लिए जो कपाट होता है उसके ग्रहणी और आमाशय के बीच में, इसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक कपाट कहते हैं। उस पाइलोरिक कपाट के खुलने पर काइम जो है वो कहां प्रवेश कर जाता है, ग्रहणी भाग में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये ग्रहणी भाग में प्रवेश कर जाएगा, उसके बाद में ग्रहणी भाग में प्रवेश करने के बाद में ये यहां पर छोटी आंत में पाचन की क्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। तो छोटी आंत में जब पाचन की क्रिया होती है वो सबसे पहले ये जो ग्रहणी भाग में जब भोजन आता है तो ग्रहणी की भित्ति के द्वारा क्या एंजाइम स्त्रावित होते हैं, कुछ कौन से, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, और सिक्रेटिन और पेंक्रियोजाइमिन। ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो तो क्या करता है, यकृत को प्रेरित करता है। किसको, यकृत को प्रेरित करता है, किसके लिए, पित्तरस के स्त्रावण के लिए। ठीक है, और सिक्रेटिन व पेंक्रियोजाइमिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अग्नाशय को प्रेरित करते हैं, और किसके लिए प्रेरित करते हैं, अग्नाशयी रस के स्त्रावण के लिए। तो जब भोजन ग्रहणी में आता है तो ग्रहणी की भित्ति से स्त्रावित ये कोलेसिस्टोकाइनिन है वो यकृत को क्या करता है, प्रेरित करेगा, और यकृत को किसके लिए प्रेरित करता है, पित्तरस के स्त्रावण को, जिसके फलस्वरूप यकृत क्या करता है, पित्तरस छोड़ता है। ठीक है, और सिक्रेटिन और पेंक्रियोजाइमिन है ये जो क्या, ये क्या करते हैं, अग्नाशय की कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं अग्नाशयी रस के स्त्रावण के लिए। ठीक है, और इनकी क्रिया के फलस्वरूप अग्नाशयी रस का स्त्रावण होता है, और ये अग्नाशयी रस और पित्तरस है ये दोनों जो है वो अग्नाशय वाहिनी और सहपित्त वाहिनी हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला के द्वारा होते हुए, ये एम्पुला से होते हुए कहां पर, ग्रहणी भाग में प्रवेश कर जाता है। फिर आता है इसमें देखिए जो स्त्रावित होता है पित्तरस, पित्तरस के बारे में पढ़ते हैं हम। पित्तरस क्या होता है, हरा और पीला क्षारीय द्रव है। कैसा, हरा पीला क्षारीय द्रव है जिसकी पीएच 7.8 से 8.6 होती है। ठीक है, ये क्या करता है, ये इसके अंदर, इसमें जो दो भाग होते हैं, एक तो पित्त वर्णक और पित्त लवण, दो भाग इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें कोलेस्ट्रॉल और लेसिथीन, ये वसा के भाग जो हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये लेसिथीन और कोलेस्ट्रॉल ये जो है वो पित्त लवण की जो क्रिया होती है उसके अंदर काम में आता है, जो उसमें बनाते हैं मिसेल संरचना है, उस मिसेल संरचना को बनाने में सहायक होते हैं। फिर आता है पित्तवर्णक, पहले आता है पित्तवर्णक। पित्तवर्णक कितने भाग होते हैं, पित्तवर्णक के इसमें दो भाग होते हैं, एक तो बिलरुबिन और दूसरा बिलवर्डिन। ठीक है, बिलरुबिन जो है वो हरे रंग का वर्ण, सॉरी पीले रंग का वर्णक होता है, और बिलवर्डिन जो है वो हरे रंग का वर्णक होता है। ये जो वर्णक होते हैं दोनों, ये आरबीसी के अपघटन जो होता है ना, आरबीसी का, जब उस आरबीसी के अपघटन से ये बनते हैं, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो वर्णक है उसके अपघटन के कारण बिलरुबिन और बिलवर्डिन का निर्माण होता है। और ये दोनों वर्णक क्या करते हैं, मल और मूत्र को, मल मूत्र को क्या करते हैं, रंग प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है इसमें पित्त लवण। पित्त लवण जो होता है ये इसमें सोडियम कार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट और टार्कोलेट, ये इसमें प्रमुख पदार्थ होते हैं। ठीक है,
और ये क्या काम करता है, वसा का पाइसीकरण करने का काम करता है। ये मिसेल संरचना बनाते हैं जिसमें क्या होता है, बीच के अंदर इसके केंद्रीय भाग में, मिसेल संरचना के केंद्रीय भाग में क्या होता है, ये वसा की गोलिकाएं होती है और इसके चारों ओर परिधीय भाग में क्या लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं, ये जो इसमें जो आयन जो होते हैं सोडियम के कार्बोक्सिलिक आयन जो है वो इसमें होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम आयन सॉरी, इसके परिधि में क्या पाए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम आयन जो है वो होते हैं। और ये क्या करते हैं, वसा के पाइसीकरण में जैसे साबुन के अंदर जो क्रिया होती है मैल निकालने के लिए, उसी प्रकार की इसमें क्रिया होती है। और ये जो वसा की जो बड़ी गोलिका है उसको क्या करते हैं, उसका पृष्ठ तनाव कम कर दिया जाता है। और पृष्ठ तनाव कम करने के कारण इसमें क्या होती है, ये बड़ी वसा की जो बड़ी गोलिका है या बड़ी बूंद है वो छोटी छोटी बूंदों में या छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाती हैं, जिसके ऊपर ये जो एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम वो क्रिया कर सकता है। लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा की बड़ी गोलिकाओं पर क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए इसमें जो मिसेल की जो क्रिया होती है, पित्त लवण की जो क्रिया है वो आवश्यक है। इसमें दो भाग होते हैं पित्त लवण के, एक तो ध्रुवीय भाग होता है जो भोजन की उपस्थिति में, ठीक है, ये जल में घुला रहता है, और अध्रुवीय भाग जो है वो कहाँ घुला रहता है, वसा गोलिकाओं में घुला रहता है। ये तो भोजन में उपस्थित जो जल होता है उस जल के अंदर ये ध्रुवीय भाग है वो घुला रहेगा, और ये जो होता है ये अध्रुवीय भाग जो होता है इसका, ये वसा गोलिकाओं में घुला हुआ पाया जाता है। भोजन के अंदर जो वसा गोलिकाएं होती हैं उनके अंदर ये घुला हुआ पाया जाता है। फिर अब देखो ये क्या करता क्या है, ये दोनों भाग इसमें, ये वसा के पृष्ठ तनाव को कम करता है, जिसके फलस्वरूप वसा छोटी छोटी गोलिकाओं में विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, वसा का पाइसीकरण कहा जाता है। अब ये जो पाइसीकृत वसा है, इस पाइसीकृत वसा पर कौन क्रिया करता है, लाइपेज एंजाइम जो है वो क्रिया करके इसका पाचन कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें पित्त रस की जो क्रिया है वो। इसके बाद में आपके आता है अग्नाशयी रस, ठीक है। अग्नाशयी रस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।